तो भाई लोग सभी का स्वागत है आज के एक नए वीडियो के अंदर। फाइनली वो दिन आ चुका है जिस दिन मैं करने वाला क्यू एन ए। मैंने वैसे 7 मिलियन पे बोला था कि अपन लोग क्यू एन ए वीडियो करेंगे, बट कुछ कारणों के चलते मैं क्यू एन ए वीडियो नहीं कर पा रहा था। तो आज वो दिन आ चुका है जिस दिन अपन लोग 10 मिलियन स्पेशल क्यू एन ए करने वाले हैं। बट उससे पहले सभी लोगों का बहुत बहुत आभार 10 मिलियन सब्सक्राइबर फैमिली करने के लिए, शुक्रिया गाइज। तो चलो अपन लोग करते हैं 10 मिलियन का क्यू एन ए। बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर मैं आज दूंगा, और सबसे बड़ी बात कि इस वीडियो को आसान करने के लिए, क्यू एन ए वीडियो को आसान करने के लिए मैंने बुलाया है अमित भाई को। तो अमित भाई को मैं आप लोगों से मिला देता हूँ पहले तो। और सबसे बड़ी बात क्या है पता है अमित भाई की, वो फेस कैम के साथ आए हुए, देखो आप लोग अभी कहाँ पे हो अमित भाई, ये रहे। हेलो सर। ये हुई ना बात अमित भाई, तो यार कुछ क्वेश्चन मैंने आपको भेजे हैं, वो क्वेश्चन मुझे पूछो, मैं आंसर देता हूँ, ताकि मेरा भी वीडियो बनाने का जो मन है वो लगा रहे, लोगों को देखने में भी अच्छा लगे। तो मैं बहुत सारे सवालों के आंसर आज गाइस देने वाला हूँ। तो अमित भाई करते स्टार्ट यार, कर दो यार। गाइस अज्जू भाई ने मेरे को कुछ क्वेश्चंस दिए यहाँ पर, 15-20 क्वेश्चंस, ये मेरे को पूछना है। तो यहाँ पर क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, लेकिन मैं सीधा मुद्दे में आता हूँ, आप लोगों का टाइम वेस्ट में इस चीज पे ज्यादा लटकाना नहीं चाहता। द लेजेंड भाई, प्रियम भाई, पठान भाई, बहुत सारे लोगों ने एक ही क्वेश्चन पूछा है अज्जू भाई, कि फेस रिवील कब होगा। ओ भाई साहब, ये बहुत डेंजर सवाल है। वैसे मैंने ही चूज किया और आपको भेजा है, बट मैं बता दूं मैं फेस रिवील गाइस करने वाला हूँ 2023 के बाद। 2023 या 2025 में मेरा फेस रिवील होगा। तब तक मैंने सोचा भी नहीं कि मैं फेस रिवील करूंगा, बट अभी के लिए मैंने सोचा कि 2023 या 2025 में फेस रिवील होगा। तो जो लोग अपने दिमाग से सोच रहे हो कि यार 10 मिलियन पे अज्जू भाई करेंगे या 11 मिलियन पे करेंगे, तो ऐसा कोई सीन नहीं है गाइस कि मैं 10 या 11 मिलियन पे वो करूंगा फेस रिवील, तो ये कोई सीन नहीं है। तो आप लोग यार वेट करो, 2023 या 2025 तक फेस रिवील मेरा आ जाएगा। तो फेस की तो बात लोग चलो डाउट करते हैं, ये होंगे वो होंगे, बहुत सारे फेक वीडियोस भी इंटरनेट पड़ा हुआ है। राजदीप भाई क्वेश्चन करते हैं कि आपका जो वॉइस है वो रियल है या फेक है, मतलब वॉइस पे भी डाउट है। मतलब देखो भाई राजदीप भाई, यार ये एकदम ओरिजिनल वॉइस यार, ये वॉइस मेरा रियल है। मतलब अब मैं क्या ही बोलूं यार, इस सवाल का आंसर मैं किस तरीके से दूं, बट आ ये मेरा वॉइस रियल वाला वॉइस है। राजन प्रीत भाई पूछते हैं कि आपने यूट्यूब किस वजह से शुरू किया था राजन सोच के। हाँ, राजन प्रीत भाई मैंने ना यूट्यूब ऐसा कोई सोचा नहीं था कि मैं यूट्यूब स्टार्ट करना है। मैंने जस्ट एक हॉबीज में, मेरे हॉबीज में एक बंदा था जो फ्री फायर खेलता था, तो उसने अभी स्टार्ट ही किया था फ्री फायर खेलना। तो उसके पास में बैठा हुआ था और वो गेम खेल रहा था, मैंने बोला कौन सा गेम है, बोलता है फ्री फायर। तो मेरे पास मोबाइल उस टाइम पे था नहीं इतना अच्छा कि मैं उसके अंदर फ्री फायर खेल पाऊँ, तो मैंने सोचा क्यों ना अपन पीसी में फ्री फायर खेले। तो उसी टाइम पे मैंने जेजे भाई करके एक स्ट्रीमर थे उस टाइम पे, तो मैंने लाइव देखा, तो वो जेजे भाई लाइव गेमिंग कर रहे थे और पीसी के अंदर फ्री फायर खेल रहे थे। तो मैंने वहाँ से सोच के फ्री फायर पीसी के अंदर डाला और गेम खेलना स्टार्ट कर दिया। तो यूट्यूब पे आने का कोई ऐसा कोई रीज़न नहीं है, बट हाँ मुझे लगा कि अपने पास अच्छा इंटरनेट है और लोग देखने के लिए भी यूट्यूब पे आते हैं गेम, और एक अच्छा एक्सपीरियंस अपने को मिलता है, तो इसलिए मैंने यूट्यूब के साथ ये स्टार्ट कर दिया गेम खेलना। बाकी कोई ऐसा रीज़न नहीं है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं गाइस, 2018 से पहले मैंने एक भी गेम नहीं खेला है। मैंने एक ही गेम खेला है, वो एक क्लैश ऑफ क्लैन 2015 के अंदर, वो भी 3-4 महीने के लिए। बाकी मैंने मेरी लाइफ में कभी भी गेम नहीं खेला है, मारियो के लेके मैंने सिर्फ देखे हुए गेम, बट कभी भी नहीं खेला। मेरी लाइफ में प्रॉपर गेमिंग 2018 के दिसंबर महीने में आई थी, और पहली गेम थी फ्री फायर, तो ये आपको बताना जरूरी था। Okay, चलो ट्विटर से यहाँ पर दीपेश भट्टराय भाई ने पूछा है कि व्हिच इज योर फेवरेट यूट्यूबर और योर फेवरेट डिश। ओके दीपेश भाई, मेरा फेवरेट यूट्यूबर है जो अमित भाई के साथ एक अज्जू भाई करके एक टोटल की तारीफ। अरे भाई मैं क्या बोलूँ अभी यार, तो वो एक बंदा है जो बहुत ओपी गेमिंग करता है, तो वो मेरा फेवरेट है। और फेवरेट डिश की बात करी जाए तो पानी पूरी और ये सब मैं पसंद करता हूँ, पानी पूरी पिज्ज़ा वगैरह। तो मतलब देख लो जो नॉर्मल चीज़ें हम खाते उससे हट के, लाइक कोई अगर पंजाबी डिश भी होगी तो मैं खा लूँगा, वो मेरी सभी फेवरेट चीज़ें हैं। फेवरेट यूट्यूबर अज्जू भाई खुद ही है, खुद की तारीफ नहीं हो गई है। अरे देखो सर जी ऐसा है ना, देखो मेरा ऐसा सीन है कि मैं अब क्या बोलूँ, लोग अपनी तारीफ खुद करनी पड़ती है। अब मानो अमित भाई अपन को अपनी तारीफ खुद ही करनी पड़ेगी, लोग अपनी मरने के बाद तारीफ करते, उससे अच्छा कि अपनी खुद की तारीफ अपन करें, तो उससे बेटर कोई चीज हो नहीं सकती। लोग तो तारीफ करने से रहे, तो अपनी तारीफ खुद करो, मेरा मानना है ऐसा। ये भी ठीक ही है। और दुर्गा भाई ने ट्विटर में क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज योर फुल नेम, व्हाट इज योर ऑक्यूपेशन और योर यूट्यूब इनकम, कितना कमाते हो। ओके तो मेरा फुल नेम तो मैं नहीं बता सकता, बट मेरा नाम मैं बता दूं, मेरा नाम अजय है और मेरा व्यवसाय है वो है, मैं फ्रीलांसर हूँ, जॉब भी करता हूँ, फ्रीलांसिंग भी करता हूँ। यहाँ पे मैं एप्लीकेशन डेवलपमेंट करता हूँ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करता हूँ, एएसओ करता हूँ, एंड बहुत सारी चीज़ें करता हूँ, वेबसाइट डेवलपिंग भी करता हूँ। और बात की जाए तो मैं पढ़ा लिखा तो इतना ज़्यादा नहीं हूँ, बट मैंने लैंग्वेज कंप्यूटर की बहुत सारी सीखी हुई है, तो प्रोग्रामिंग के अंदर मेरे को बहुत सारी लैंग्वेज आती है, PHP हो गई, जावा हो गई, और भी बहुत सारी लैंग्वेज आती है। ओके और इनकम आपने छुपा दिया सर। इनकम मैं क्या बोलूँ अब गाइस, देखो मान के चलो इनकम का मैंने तुम्हें एक अंदाज़ा देता हूँ,
मैं पर मंथ आप मान के चलो मैं 4 से 5 आईफोन 11 प्रो मैक्स ले सकता हूँ, तो आप हिसाब लगा लो। कैलकुलेटर खोलो, चलो जुगाड़ कर लो कितना हुआ। ठीक है राजू भाई, चलो ये क्वेश्चंस को अभी साइड में रख के मेरे को एक क्वेश्चन था। आपने बोला था कि आप 11 तारीख के बाद में अपना ई-स्पोर्ट्स टीम के अनाउंसमेंट करेंगे, तो उसका क्या है अपडेट? ई-स्पोर्ट टीम, हाँ मैंने ई-स्पोर्ट टीम का गाइस बोला था। ई-स्पोर्ट टीम के अंदर अपडेट है कि देखो बाकी की सारी जानकारी आपको मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे मिलेगी ई-स्पोर्ट के रिलेटेड, बट यहाँ पे मैं बता दूँ ई-स्पोर्ट के अंदर बहुत ही एक आप लोगों को मजा आएगा ई-स्पोर्ट के अंदर, क्योंकि द माफिया करके आपने टीम नाम सुना होगा जो ब्रेवलर बेस भी खेली थी और टूर्नामेंट ऑल स्टार वाला था जिसके अंदर 3rd नंबर की पोजीशन ली थी, जहाँ पे एशिया के सभी यूट्यूबर अच्छे टीम आई थी, मतलब अच्छी टीम प्रो प्लेयर लोग खेलने आए थे जिसके अंदर 3rd नंबर आया था उन लोगों का, और काफ़ी मैं उस द माफिया की टीम के परफॉर्मेंस से प्रभावित हुआ था, मतलब इम्प्रेस हुआ था, तो इसलिए मैंने द माफिया की टीम से बात की वाशियो भाई फौजी भाई से, और उन लोगों ने बोला कि हाँ हम टोटल गेमिंग की लाइनअप से खेलेंगे। मतलब ये बोलना है कि मेरा कि द माफिया की जो लाइनअप है वो अब से टोटल गेमिंग की लाइनअप है और वो टोटल गेमिंग से खेलेंगे, और बाकी सारी जानकारी आपको मेरे इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी। तो यही है मेरी टीम में अगर बात की जाए तो अरे तो माफिया की जो लाइनअप है वो पूरा का पूरा टोटल गेमिंग का हो गया। हाँ टोटल गेमिंग का हो गया, और लाइनअप के अंदर टीजी गोल्डन है, फिर टीजी वाशो है, टीजी फौजी अजय है और टीजी बाला है माफिया वाला, तो हम लोग बहुत ही मतलब ओपी वाला गेम प्ले भी दिखाएंगे स्पोर्ट के अंदर भी, टेंशन ना लो। ओके और यहाँ पर इस क्या नाम है स्पीड डब्ल्यू वाई किस्ट, पता नहीं इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं, उन्होंने पूछा है कि तुम इतना चिमकांडी क्यों बोलते हो बार बार? देखो गाइज चिमकांडी के लिए देखो गाइज मैं क्या बोलूँ चिमकांडी वर्ड के बारे में, मैंने चिमकांडी कहाँ से बोलना मेरे को स्टार्ट किया मेरे को पता नहीं, या तो मैंने सुना था या तो अंदर से पता नहीं, बट मैंने शायद से कहीं पे सुना था चिमकांडी वर्ड, और चिमकांडी वर्ड एक ऐसा वर्ड है जो हम बोल सकते हैं अच्छे के लिए और बुरे के लिए, अगर कोई हमें मार के जाता है तो हम उसको गाली नहीं दे सकते क्योंकि हमारा स्ट्रीम फैमिली फ्रेंडली होता है, तो हम उसे चिमकांडी बोल देते, अगर वो बंदा मर भी जाता है हमसे तब भी हम चिमकांडी बोलते हैं, मतलब चिमकांडी का कोई मतलब नहीं है, बट हम लोग उसको इस वे में यूज़ करते हैं, अच्छे वे में भी यूज़ होता है और बुरे वे में भी चिमकांडी यूज़ होता है, तो फ्री फायर के अंदर चिमकांडी बोलना स्टार्ट मैंने ही किया होगा शायद से। और एक गाली भी नहीं है। हाँ एक गाली भी नहीं है सबसे बढ़िया बात। ओके चलो इंस्टाग्राम में आपको पूछते हैं वंदना चौबे जी कि आप पीसी में खेलते हो या फिर मोबाइल में? वंदना जी मैं जो गेम है फ्री फायर वो स्टार्ट मैंने पीसी में खेलना स्टार्ट किया था, मैं पीसी के अंदर ही खेलता हूँ जो फ्री फायर है उसको ज़्यादातर, और रही बात मोबाइल की तो मैं मोबाइल के अंदर बहुत बार खेल चुका हूँ, मैं मोबाइल के अंदर अच्छी तरीके से खेलना भी जानता हूँ, बट बात वहाँ पे आती है कि तुम लोग भाव देते नहीं हो पहली बात तो। मैंने ट्राई किया, मैं मोबाइल में नहीं खेला ऐसा नहीं, मैं मोबाइल में लाइव स्ट्रीमिंग भी किया, काफ़ी अच्छा गेम प्ले भी डाला, बट तुम लोग बोलते हो अजू भाई आप जिसमें खेलते हो उसमें ही खेलो, क्योंकि फिर ऐसा होता है मैं मोबाइल पे अमित भाई स्ट्रीमिंग करता हूँ ना मोबाइल से, तो मैं इतना ज़्यादा लोगों को एंटरटेन नहीं कर पाता जितना मैं पीसी पे खेल के कर पाता हूँ, क्योंकि मेरा मोबाइल के अंदर खेलूंगा तो पूरा फोकस गेम के अंदर जाता है, बट अगर मैं पीसी पे खेलता हूँ तो मेरा इतना ज़्यादा फोकस गेम के अंदर नहीं रहता, तो मैं उल्टी सीधी हरकतें भी कर सकता हूँ, बट मोबाइल के अंदर पूरा गेम के अंदर फोकस करना पड़ता है, तो इस वजह से मैं मोबाइल को इग्नोर करता हूँ और पीसी के अंदर लोगों को एंटरटेन करने के लिए गेम खेलता हूँ, यही है। चलो पवेल शाह ने एक मजेदार क्वेश्चन पूछा है, कीप गोइंग ब्रो आई एम ऑलवेज विद यू, माय क्वेश्चन इज डू यू वॉच पॉर्न? ओ भाई साहब, ये भाई साहब देखो ऐसे क्वेश्चन ना करो पहली बात तो, अब अगर आपने क्वेश्चन कर ही लिया है तो बता दो मेरे आइडल है जॉनी भाई जॉनी भाई और बाकी मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बाकी आप समझ समझदार लोगों का इशारा ही काफी है। चलो एफएफ लवर भाई ने रैपिड फायर क्वेश्चन पूछा है कुछ, क्यूपिड स्क्वायर और मैस्टिक स्क्वायर? क्यूपिड। पोकर MP40 मैकेनिकल MP40? मैकेनिकल MP40। M1887 और M1014? दो गोली वाला, जो मतलब क्या ही बोलूं, तो दो गोली वाला। और आप फेस कैम कब करोगे? फेस कैम तो अब मैं पता नहीं गाइस 2023 के बाद कभी भी, 2023 या 2025 में मैं फेस कैम जरूर करूंगा, टेंशन ना लो। चलो गुरप्रीत भाई ने पूछा है कि फेवरेट सिंगर हिंदी एंड पंजाबी। हिंदी के अंदर गुरप्रीत भाई मेरा सिंगर जो फेवरेट है वो अरिजीत सिंह है, और पंजाबी सिंगर के अंदर आप गुरु रंधावा को ले सकते हो, वो मेरा फेवरेट है। ओके चलो बढ़िया है। दर्श ने पूछा है कि अकॉर्डिंग टू यू हु आर लेजेंड्स, देवलोन, जॉन्टी, अमित भाई, रोमियो, मानिया या आपका कोई पसंदीदा? तो आपने इसमें लेजेंड की बात की तो जो आपने 5-6 नाम दिए, देवालोन भाई, जूंटी भाई, अमित भाई, रोमियो भाई, सभी का नाम मैं लेता हूँ, बट बता दूँ इन सब के साथ एक बंदा कॉमन है जो खेलता है अज्जू भाई करके, वो लेजेंड है। फिर से खुद की तारीफ, मतलब कहीं चूकते नहीं खुद की तारीफ में। नहीं देखो सभी लोग लेजेंड है, बट चलो यार कोई नहीं, मैं लेजेंड नहीं हूँ, बाकी सब लेजेंड है गाइस, और कुछ नहीं। ओके रंजीत कुमार पूछ रहे हैं कि तुम जिसके साथ खेलती हो उसमें से कौन कौन तुम्हारा फेस दिखा है? मैं बात बताऊँ रंजीत भाई, मैं सबके साथ खेलता हूँ, अमित भाई हो गए, बहुत सारे लोगों के साथ खेलता हूँ, बट किसी ने मेरा फेस देखा नहीं है,
आज सुबह में ही मौका मिला था अमित भाई को मेरा फेस देखने का, वो चुक गए, क्योंकि मेरा जब मैं फेस रिवील अमित भाई के साथ कर रहा था, मतलब सेटअप कर रहा था स्क्रीन का, तब उस टाइम पे मेरा गलती से कैमरा ऑन हो गया था। बट भाग्य ऐसा था कि अमित भाई यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे थे, तो उसने वहाँ पे ध्यान नहीं दिया और मेरा फेस नहीं देखा। अरे मैंने देखा है, वो मैंने रिकॉर्ड करके रखा है, बाद में दिखाऊंगा मैं। अरे अरे ओके, कोई नहीं चलो। सिजन, मैंने आपको पूछा है कि आप किससे इंस्पायर हुए हो यूट्यूब में आने के लिए, और आपका 100K और 1 मिलियन में क्या रिएक्शन था? अगर बात की जाए सृजन भाई मेरा इंस्पायर होने की, तो मैं इंस्पायर हुआ था जेजे भाई से। मैं आप बोल सकते हो जेजे भाई का ही मैंने एफएक का स्ट्रीम देखा था, फ्री फायर का, तो आप बोल सकते हो कि मैंने जेजे भाई से इंस्पायर होकर यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीमिंग करना स्टार्ट किया था। और 100K पे रिएक्शन हमारे हॉबीज के अंदर, देखो बहुत सारे लोग नहीं जानते मैं यूट्यूब करता हूँ वैसा, तो मेरी हॉबीज के अंदर तीन ही लोग हैं जो जानते हैं, नहीं मेरे अलावा दो लोग, मतलब कुल टोटल तीन लोग हम लोग जानते हैं मैं यूट्यूब करता हूँ। तो 100K पे हमने केक काटी थी, उसके बाद तो कभी केक काटी नहीं, तो यही दिक्कत है बस। इतना ज़्यादा कोई खुशी नहीं है, बट हाँ खुश होने वाली बात तो है, बट कोई लोग जानते ही नहीं ज़्यादा, तो किस तरीके से अपन लोग खुशी मनाएंगे ये चीज़ें। अब कुछ भी रिवील किया ही नहीं, तो भाई खुशी कैसे मनाए ना। हाँ वही है, लोग भी हंस सके कि यार क्या पागल हो गया ऐसा। चलो, प्रिस्ट ऑफ टेस्ला ने पूछा है कि अगर आपका क्या होगा अगर फ्री फायर इंडिया में बैन हो जाए तो? भाई पहली बात तो आप शुभ शुभ बोलो यार, फ्री फायर बैन मत करवाओ। और अगर हाँ फ्री फायर बैन हो जाता है, तो बहुत सारी गेमें खेलने के लिए, पबजी हो गया, फिर GTA 5 हो गया, तो वो सभी गेम खेलूंगा। और आने वाले समय में लास्ट ऑफ अस 2 वगैरह भी अभी गेम आई, तो वो सभी गेम खेलेंगे गाइस। फ्री फायर के ऊपर अपन लोग निर्भर नहीं है, मैं जो भी करता हूँ और फ्रीलांसर मतलब हूँ, मुझे सैलरी वगैरह का कोई इशू होता नहीं है। अगर इन फ्यूचर अगर बैन हो भी गया तो आगे मूव तो करना ही पड़ेगा। हाँ मूव कर लेंगे सर जी, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तनिष ने पूछा है शादी हो गई? तनिष भाई यार तुम यार क्या ही बोले यार, तुमने दिल के ऊपर वार किया है डायरेक्ट यार। नहीं अभी तक तो शादी नहीं हुआ, लड़की ढूंढ रहे भाई, अगर कोई मिले तो बताना। चलो, पार्थ ने पूछा है कि आपने टोटल गेमिंग नाम क्यों रखा अपने चैनल का? ओके पार्थ भाई, ऐसा है कि मैंने टोटल गेमिंग नाम इसलिए रखा था, जब मैंने गेमिंग चैनल बनाया तब मैंने सोचा मैं सभी गेम खेलूंगा, लाइक GTA 5 हो गया, और हालांकि मैं काफ़ी गेम खेला भी हूँ, बट इतनी सारी नहीं खेला जितना मैंने सोचा था, तो मैंने सभी गेम खेलने के लिए सोचा था और मैंने टोटल गेमिंग नाम रखा, बट मैं खेल नहीं पाया हूँ, आई एम सॉरी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? अरे यार ये तो पता नहीं भाई, मेलोडी मैंने बहुत कम खाई है, बट हाँ चॉकलेटी तो है, वो तो मैं मानता हूँ, ओपी है वो भी। चलो, मैंने आपने मेरे को जो क्वेश्चन दिया था वो लगभग खत्म हो चुके हैं, और बाकी क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन है, वो उसी से टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। ओके तो गाइस यहाँ पे अपन लोग तो क्वेश्चन तो खत्म हो ही गए, तो अब मैं आगे क्या बोलूँ आप लोगों के लिए। तो गाइस यहाँ पे अपन लोग वीडियो करते हैं खत्म, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आ रहे तो सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन दबा देना, और मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय। और अमित भाई चलो बाय बाय बोल दो सबको। चलो गाइस बाय बाय, मिलते हैं बहुत जल्द। ओके ये हुई ना बात।